दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज रविवार 13 अक्टूबर सन 2024। दोस्तों स्पाइसेस पर एक कंप्लीट रेंज यानी लगभग सभी स्पाइसेस पर आपको अपडेट और विश्लेषण देने वाला पहला चैनल, चाहे वो काली मिर्च हो, लौंग हो, इलायची हो, बड़ी इलायची हो, जीरा हो, धनिया हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो, छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो, इन सभी पर हमने आपको अपडेट दिए हैं जो काफ़ी हद तक सही साबित हुए हैं। आज के शो में हम हल्दी के ऊपर चर्चा करेंगे। हल्दी के वायदे बाजारों में गिरावट देखी गई है, जबकि स्पॉट मार्केट के अंदर अधिक गिरावट नहीं देखी गई है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले सप्ताह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि जो हल्दी के प्रमुख उत्पादक राज्य माने जाते हैं, पिछले वर्ष के बकाया स्टॉक का डंक लगा हुआ माल यानी दागी माल बाजारों में कम मूल्य पर बिक्री होने के भी समाचार हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नया सीजन में अभी भी लगभग 3.5 महीने का समय बाकी है, लेकिन व्यापारियों के चेहरे पर चिंता दिख रही है क्योंकि वायदा गिर रहा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। पिछले सप्ताह NCDX पर हल्दी का अक्टूबर वायदा 11,300 रुपये खुलने के बाद शुक्रवार तक 450 रुपये गिर कर 12,850 रुपये और दिसंबर फ्यूचर 148 रुपये घटकर 13,392 और अप्रैल वायदा सोमवार को 13,542 रुपये पर खुलने के बाद शुक्रवार तक 685 बढ़कर 14,200 रुपये पर बंद हुआ। यानी अक्टूबर और दिसंबर वायदा जो है वो गिरावट में था, लेकिन अप्रैल वायदा 658 रुपये बढ़ गया है, वो 14,200 रुपये पर आया है। पिछले सप्ताह यदि हम देखें कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य की मंडियों में पुराना स्टॉक डंक लगा हुआ माल कम मूल्य पर बिक्री होने के समाचार हैं, जिससे मसाला कंपनियां और छोटे कारखाने मसाला वाले की अच्छी क्वालिटी का माल कम खरीदा गया, जबकि और लेकिन हल्का माल अधिक खरीदा गया। निजामाबाद में पिछले 3 दिनों में केवल 1200 बोरी इसकी आवक के समाचार है और कड़ी 13,000 से 13,500, कट्टा 12,200 से 12,600 रुपये और लोकल लूज मोटर बिल्टी पॉलिश कड़ी 15,500 से 15,600 के भाव रहे। गट्टा 14,300 से 14,500 रुपये के भाव रहे और बर्गल में काड़ी 12,800 से 12,800, गट्टा 12,200 और पॉलिश काड़ी 13,200 रुपये के ऊपर भाव पे होने के समाचार हैं। दुर्गिराला में 1500 बोरी की आवक पर कड़ी और गट्टा 11,800 से 12,000 रुपये के बीच में व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। ईरोड की बात करें तो पिछले सप्ताह 10 से 12,000 बोरी की आवक पर काड़ी 10,611 से 15,263, गट्टा 9,599 से 13,599 के भाव रहे। महाराष्ट्र के हिंगोली में एक सप्ताह के दौरान 7 से 8,000 बोरी आने के समाचार हैं और बसमत नगर में 8 से 10,000 बोरी, नादेड़ में 3,000 बोरी, सांगली में लगभग 5,000 बोरी की आवक के समाचार हैं। साथ साथ तो दोस्तों उम्मीद है कि सभी जानकारियां आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। और बसमत नगर के अंदर जो भाव है, काड़ी के 12,200 से 13,500, गट्टा 12,500 से 14,000 रुपये और सांगली में राजापुरी 14,000 से 15,000 के भाव हैं। गट्टा 14,000 से 14,500 रुपये एवं बहरामपुर के अंदर काड़ी 12,500, पॉलिश काड़ी 13,500 रुपये पर व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों एक विनम्र अनुरोध, यदि आपने हमारे चैनल पर अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ हल्दी के जो व्यापारी हैं उन पर ये शो अवश्य भेजिए ताकि पूरा देश इसके लाभ उठा सके। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपके इलाके में हल्दी के क्या भाव चल रहे हैं वो स्पॉट मार्केट के दाम भी आप जरूर ध्यान दें, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ साथ हमारा डिस्क्लेमर भी ध्यान से सुनिए। दोस्तों ये सभी जानकारियाँ महज अनुसंधान एवं एजुकेशन पर्पज़ के लिए दी जा रही है, किसी भी प्रकार के लाभ हानि का जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले भावों को एक बार पुनः आप चेक कर लें, क्योंकि भाव हर क्षण बदलते रहते हैं। फिर भी हमने काफ़ी कोशिश की है कि आपको सारी जानकारियाँ रिलायबल सोर्सों से एकत्रित कर आपको दी जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।